हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लाइक बर्ड फार्म। फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो लखा में कैसे मेल फीमेल पहचाना जाता है। तो ये देख सकते हैं, इधर वाला इस साइड वाला ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल जो है गुटुरगू करता रहता है और इसका मीटिंग समय में जो है इसमें मेल ऊपर में होता है और फीमेल नीचे में रहती है। देख सकते हैं, ये मेल ऊपर में है और फीमेल नीचे में है। अगर आपको मेल फीमेल पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो इस ढंग से आप मेल फीमेल पहचान सकते हैं। अगर आपका बर्ड मीटिंग भी करता है और गुटुरगू करता भी है, उसके बावजूद अगर अंडा में अगर ब्लड नहीं आ रहा है या बच्चा नहीं जम रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक आसान सा तरीका है। क्योंकि लखा का जो पंख होता है वो ऊपर की ओर रहता है, इसके कारण इसका मेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आपको क्या करना है दिखा देता हूँ। ये फीमेल है, इसका पंख देखिए मैं यहाँ से काट दिया हूँ दोनों तरफ का, इस साइड का भी और इस साइड का भी। इसमें क्या होता है, इसका मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आराम से आसानी से मीटिंग करता है। और आप चाहे तो इसका पीछे वाला कुछ पंख काट सकते थे या का कुछ पंख काट सकते हैं, तो इसमें आसानी से इसका मीटिंग होगा। तो फ्रेंड, मेरा चैनल में अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इस ढंग से गुटुरगू करता है मेल और फीमेल भी करती है तो हल्के फुल्के। मेल जो होगा इस ढंग से गुटुरगू करता रहता है। और भी बहुत सारा तरीका है मेल फीमेल पहचानने का, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपना लखा को इस टाइप से छोड़ दें, अपना कबूतर को इस तरीके से छोड़ दें और उसमें से देखें जो इसका मीटिंग हुआ है कि नहीं, सही ढंग से मीटिंग हुआ है कि नहीं। और कबूतर को एडल्ट होने में कम से कम 6 महीना लगता है, 6 महीने के बाद ही वो अंडा बच्चा करता है। तो अगर आपको मेल फीमेल में पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा इस वीडियो को देख लें, आपको आसानी से इसका हल मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। थैंक यू।